Now we'll start working with the HTML forms. How do we create an HTML forms? HTML forms are basically used to collect the information or the data from the site visitor. Now it is done with the help of controls that collect the information and send it back to the web server. Now as you might have seen in some of your websites where you do the registration in your websites, and then you click on the submit button to submit whatever data you have entered on the form. That is being created using, that form is being created using an HTML form. Similarly, when you go to say gmail.com, you need to log in using your user ID and password. So jahan pe hum user ID and password type karte hain, that is also a part of the HTML forms. So we'll try to create a new HTML file from the using notepad. So maine notepad khol liya apna, yahan pe से मैंने लिखा HTML, ठीक है, बिगनिंग टैग HTML होता है हर एक फाइल का, HTML फाइल का. देन आफ्टर दैट आई राइट से द सब टैग ऑफ द HTML इज हेड, एंड द चाइल्ड टैग ऑफ द हेड इज टाइटल टैग, एंड वट एवर टाइटल आई वांट टू गिव टू द फॉर्म से रजिस्ट्रेशन फॉर्म. एंड देन आई क्लोज द टाइटल टैग बिकॉज इट्स अ कंटेनर tag. I close the head tag again, and within the HTML there is one more tag, that is body. Body tag contains all the elements that needs to be displayed on the body part of your HTML form, HTML document, sorry. Now maine uske baad se body yahan pe close kar diya, and then I close the HTML tag, and within the body you'll be creating the फॉर्म. नाउ टू क्रिएट द फॉर्म से मैं अपने HTML फॉर्म में कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर डिस्प्ले हो मेरा, ठीक है, एंड दैट टू ऑन सेंटर. सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड यहाँ पे सेंटर में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, एक पी टैग हमारा होता है पैराग्राफ टैग, उसके एट्रीब्यूट होते हैं अलाइन, उसमें लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई आप लिख सकते हो. Then you close the p tag. After that, to start creating the forms, now we'll see how to create the forms. Now the first it should not be the HTML tag, it should be the form tag, sorry, yahan pe HTML nahi aayega, it should be the form tag. So the basic tag to create a form is, pehle aapko form likhna hai. Ab form tag ke teen attributes hote hain, that is name, action and method. Now name is basically the name of the form that you want to write, though it's optional. आप अगर नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा. Second attribute is the action. Action is the URL which will receive the uploaded data. That means here you'll be writing, say, action is equal to, so जिस फाइल पे ये डाटा जाएगा. नाउ एक्शन इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे दिया से फॉर एग्जाम्पल आर ई रजिस्ट्रेशन आर ई जी डॉट एच टी एम एल मैंने दिया, ठीक है, एक फाइल जहाँ पे डाटा ये जाएगा. उसके बाद आप एक और इसका एट्रीब्यूट होता है, दैट इज़ मैथड. नाउ मैथड में आप या तो गेट लगा सकते हो या फिर पोस्ट. नाउ गेट में होगा क्या, विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट ऑफ द गेट एंड देन लेटर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द पोस्ट ऑल्सो. नाउ फॉर्म टैग इज अगेन अ कंटेनर टैग. इस फॉर्म के अंदर ही हम सारे कंट्रोल्स अपने क्रिएट करेंगे जो फॉर्म के अंदर आते हैं. फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, जैसे मैंने जीमेल में आपको बताया कि जीमेल के अंदर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ता है. तो यूज़र आईडी जो आप डालते हो, दैट इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, ठीक है, वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है. जहाँ पासवर्ड डालते हो वो हमारी पासवर्ड पासवर्ड फील्ड हो उसको हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है. सो फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू जहाँ पर यह डाटा जाएगा. अब इस फाइल को अगर मैं जैसे सेव करता हूँ, तो मैंने क्या कहा, फाइल पे गया, मैंने सेव पे क्लिक किया, जहाँ पर भी मैं सेव करना चाहता हूँ उसको वो लोकेशन मैं चूज़ करूँगा, और यहाँ पे फाइल का मैं नाम टाइप करूँगा. से फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल. नाउ सेव मैंने क्लिक किया. अब होता क्या है कि ये फाइल का नाम क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल. तो रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल खोलने के बाद जब यूज़र अगर फॉर्म पूरा फिलअप करेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो वो डाटा कहाँ जाएगा, किस फाइल के पास जाएगा, वो आर ई जी डॉट एच टी एम एल फाइल के पास जाएगा.
though it is beyond your syllabus ki what this reg.html will contain, iska coding kya hoga, but you need to remember that the attributes of the form tag is the action and the method. And method ke andar you can either give the get or the post. If you give get, what will happen is it will send the data, whatever data you fill up in the form, along with the URL. Matlab uniform resource locator aap pad chuke ho, uske saath data jayega. But ye ek fast tarika hota hai data bhejne ka, theek hai. Aur dusra hota hai hamara post. Post mein hum kya karte hain, it sends the data hidden but is a bit slower. Iska abhi effect aapko pata nahi chalega before, until and unless we create the submit button, theek hai. So isliye we'll move on to the next tag within the HTML. और अब जितने भी हमने जिसने भी हम अपने अब कंट्रोल्स इसमें क्रिएट करेंगे फॉर्म के अंदर, दैट विल बी विद इन द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्म टैग एंड द क्लोजिंग ऑफ द फॉर्म टैग. यहाँ से बिगिनिंग हो रहा है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्म टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द फॉर्म टैग. विद इन दीज टू टैग्स HTML फॉर्म एंड फॉर्म टैग, यहाँ पे बीच में आप अपने कंट्रोल्स क्रिएट करोगे, ठीक है. से यू वॉन्ट द यूजर टू एंटर द his or her name, ठीक है. So you'll type enter your name, ठीक है, colon आपने लगाया. अब इसके बाद आपका box बना हुआ आना चाहिए जहाँ पे user अपना नाम type कर सके. So उस box को बनाने के लिए अब हम देखते हैं controls in the form tag. Controls of the form tag are, first control is the text box control. Now it's a single line input control, मतलब एक लाइन के अंदर ही आप इसमें टाइप अपना डाल सकते हो डाटा. सो उसको क्रिएट करने के लिए द टैग इज इनपुट टैग. सो यू राइट इनपुट, इसके एट्रीब्यूट्स हैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू आप कुछ भी दे सकते हो, वैल्यू ऑप्शनल अगर देना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव. वट एवर यू एंटर विद इन द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड व्हेन यू विल व्हेन द फॉर्म विल बी डिस्प्लेड टू द यूजर. जब यूजर फॉर्म को देखेगा तो उसमें वैल्यू में जो भी डाला होगा वो दिखाई देगा वहां पे. सो to create the text box you'll write input tag hai ye. type jo hai uska ek attribute hai, type is equal to aapne agar likha text, theek hai. name halanki optional hai but if you want to write say you can write say name mein aapne kaha full name, theek hai. aur name jo hota hai you cannot give space within your name. लाइक वेरिएबल्स जैसे होते हैं, वेरिएबल्स की तरह ये काम करते हैं, ठीक है. तो फुल नेम की फुल अंडरस्कोर नेम जो हमने टाइप किया यहाँ पे, उसके अंदर आपका जो भी यूज़र टाइप करेगा वो फुल अंडरस्कोर नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा एक तरह से. एंड देन इफ़ यू वांट टू राइट वैल्यू, दो इट्स ऑप्शनल, वैल्यू में अगर आपने कुछ भी कहा से तो ये चीज़ आपका जो है दिखाई देगा वैल्यू के अंदर, मतलब उस बॉक्स के अंदर दिखाई देगा जब फॉर्म खुलेगा. हम इस फाइल को दोबारा सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट राइट नाउ. सो लेट्स ट्राई एंड सी द आउटपुट. द माय फाइल इज बीइंग सेव्ड इन माय कंप्यूटर ई ड्राइव क्लास 11th एंड 12th प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स HTML, ठीक है. इसके अंदर एग्जांपल के अंदर रजिस्ट्रेशन डॉट HTML अभी हमने फाइल क्रिएट करी है. वंस आई डबल क्लिक ऑन दिस फाइल इट विल ओपन ऑन द ब्राउजर, नॉट नोटपैड. नोटपैड पर नहीं खुलेगा, ब्राउजर पर खुलेगा. सो यू कैन सी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैं इसको यहाँ पे अपना कोडिंग खोल के दिखाता हूँ आपको साथ साथ. सो यू कैन सी द हेडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टाइटल जो हमने डाला है वो दिखाई दे रहा है हमारा ऊपर इन द टाइटल बार. देन नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर मैंने लिखा है. सो दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो टेक्स्ट है इट्स बीइंग डिस्प्लेड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ योर ब्राउजर, ठीक है. नेक्स्ट फॉर्म के अंदर ये जो लिखा है फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, अब इसका कोई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसको एक्चुअल में. नाउ एंटर योर नेम, ये दिखाई दे रहा है एंटर योर नेम, फिर कॉलन आ रहा है. फिर बॉक्स बनाने के लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है. नेम इज इक्वल टू फुल अंडरस्कोर नेम एंड उसके अंदर क्या स्टोर है, ये स्टोर है बिकॉज मैंने वैल्यू इज इक्वल टू डाला है. इफ़ आई लीव दिस ब्लैंक, मतलब इसको हटा देता हूँ, इसको मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, और फाइल पर जाके सेव करता हूँ, क्योंकि पहले अगर मैंने लिखा था तो ये यहाँ पर देख रहे हो कि इनिशियली ये भरा हुआ आएगा यहाँ पर ऐसे. If I reload this particular file, it will be blank. Now I can type any name here. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मैं type कर सकता हूँ. User अपना कोई भी type करना चाहता है तो कर सकता है form के अंदर. Fine. So to create the text box, what code you have to write is input type is equal to text. इतना important है. Input type is equal to text लिखते ही एक box create हो जाता है.
ठीक है, अगर नाम देना चाहते हो दे सकते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू लीव, बिकॉज राइट नाउ यू विल नॉट बी एबल टू सी द इफेक्ट ऑफ द नेम इफ़ यू गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव. सो इवन देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू क्रिएट द टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट बॉक्स, बट विल एक्चुअली क्रिएट दिस नेम इज इक्वल टू फुल ऑल्सो, नेम इज इक्वल टू फुल अंडरस्कोर नेम ऑल्सो, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इज कि हम जो मैं आपको समझा रहा था बाद में लास्ट में जो समझाऊंगा, दैट इज मेथड इज इक्वल टू गेट और पोस्ट देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका एक्चुअल में आउटपुट आपको एक्चुअल में फ़र्क पता नहीं चल पाएगा इफ़ यू अंटिल एंड अनलेस यू गिव द नेम. ठीक है, सो यू हैव क्रिएटेड अ टेक्स्ट बॉक्स. नाउ यू वॉन्ट द यूज़र टू एंटर द यूज़र नेम, यू कैन अगेन टाइप एंटर यूज़र आई डी. ठीक है, यूज़र आई डी वो किस में डालेगा, एक सिंगल बॉक्स में डालेगा और टेक्स्ट बॉक्स में ही. टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए मैं बता ही चुका हूँ आपको, इनपुट टाइप इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट. ठीक है, नेम इज इक्वल टू में आप कोई भी चीज़ दे सकते हो, लेकिन स्पेसिस अलाउड नहीं है यहाँ पे, एंड देन क्लोज द इनपुट. नाउ दिस इज एन एम्प्टी टैग बिकॉज इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे इनपुट लिखने की जरूरत नहीं होती. सो दिस इनपुट टैग इज एन एम्प्टी टैग. ठीक है, नाउ इफ आई जस्ट सेव इट, यू कैन सी एंटर योर नेम. ठीक है, ये आ रहा है, ये पहले से इसलिए वजह से आ रहा है बिकॉज हमने टाइप किया हुआ था, बट अदरवाइज ब्लैंक आएगा. ठीक है, ये आपका आ गया एंटर यूजर आईडी, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए हालांकि, बट इट्स डिस्प्लेइंग ऑन द सेम लाइन. द रीज़न इज ये हमारे एंटर को नहीं समझता है जो हम नोटपैड में देते हैं, इस वजह से हमें बी आर टैग यहाँ पे लगाना होगा. वंस आई गिव द बी आर टैग, वट एवर कॉन्टेंट विल बी देयर ऑन द विदिन द बॉडी विल बी डिस्प्लेड ऑन द नेक्स्ट लाइन. सो आई अगेन गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव and reload this page, so you can see it is displaying on the next line. If you want to give more line, you can give more BR here. Say if you give BR again here and go to file and click on save again, you reload it, you'll be able to create one more gap between the two text boxes. So first tag that we have learned within the form tag is the input type is equal to text tag that is used to create the text box. Text box is nothing but a single line input control. Next tag is the password box. If you want to create the password box, you can write input type is equal to password and name whatever name you want to give to that particular box. Okay, so we'll again go to the code and I'll ask the user, I'll give a BR tag, otherwise it will display on the same line. Now I'll ask the user to enter his password, enter password, say okay, maine idhar likha input. जैसे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा था उसी तरीके से टाइप इज इक्वल टू यू कैन ऑल्सो टाइप पासवर्ड. सो वंस यू राइट इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड एंड वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव टू द दिस पासवर्ड फील्ड, यू कैन गिव इट विद इन नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो भी आप दोगे दैट विल बी इट्स नेम. ठीक है, मैंने पी डब्ल्यू डी दिया, सेम फाइन. नाउ आई अगेन गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव. ठीक है, वंस आई रीलोड दिस पर्टिकुलर फॉर्म अगेन, हेयर इट्स एंटर पासवर्ड. नाउ the user can type his or her name here, tab dabake he can come to the next control, that is the user id, whatever user id he wants to choose and whatever password. The password will not be displayed, jaise aap normally internet pe kaam karte ho it's not being displayed. Similarly password box mein kabhi bhi naam dikhata nahi hai, whatever content I type, whatever text I type is not being displayed. Instead of the text it displays the dot. Theek hai, now we have learned the second control within the form tag also. Third control that we can create within the form is the radio buttons. Now radio buttons are basically the buttons which we can choose one out of a particular group. मतलब बहुत सारे controls, बहुत सारे buttons होंगे, उसमें से सिर्फ एक ही choose कर सकते हैं. ठीक है, so for example say we want the user to choose his sex, either male or female. So to create that, एक गोला सा बीच में बना हुआ आएगा, उसके लिए हमें बनाने के लिए हमें क्या लिखना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो. ठीक है, एंड उसके बाद नाम आपको देना है, से नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव एंड वट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू गिव टू दैट पर्टिकुलर बॉक्स, बिकॉज यूजर उसमें टाइप नहीं कर रहा है, यूजर सिर्फ टिक मार्क लगाएगा. सो वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी थ्रू कोडिंग. सो मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू
रेडियो नेम मैंने कुछ भी कहा से आर वन मैंने कहा एंड वट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू गिव से वैल्यू आपने कहा मेल. नाउ वंस यू राइट दिस कोडिंग यूल बी आई जस्ट रन इट बाई रीलोडिंग द एप्लीकेशन अगेन. यू कैन सी द स्मॉल सर्कल एंड वंस यू क्लिक ऑन दैट सर्कल वो सर्कल सेलेक्टेड हो जाता है डॉट उसमें लगा हुआ आ जाता है ठीक है. बट ओनली सिंस यू हैव क्रिएटेड ओनली अ सिंगल रेडियो बटन सो यू आर एबल टू चूज ओनली वन ऑफ देम. नाउ इफ यू कैन सी इसके बाद बॉक्स के बाद जो सर्कल के बाद कुछ लिखा नहीं हुआ रहा. यू योर सेल्फ हैव टू टाइप वंस यू क्रिएट द रेडियो बटन जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो नेम इज इक्वल टू आर्मन वैल्यू इज इक्वल टू मेल किया एंड देन द टैग इज बिंग क्लोज ठीक है. दिस द एंडिंग ऑफ द टैग. नाउ इधर आपको अगर लिखते हो से मेल देन ओनली यू विल बी एबल टू सी द ऑप्शन हेयर ठीक है मेल. सिमिलरली उसी के सेम आगे ही बिना बी आर दिए अगर मैं फीमेल लिखना चाहता हूँ सो आई कैन इवन प्रेस एंटर एंड राइट द कोड बट इट विल बी डिस्प्ले ऑन द सेम लाइन बिकॉज आई हैव नॉट एंटर्ड द बी आर टैग. सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगेन द रेडियो. अब इसमें जो नेम है नेमिंग रेडियो बटन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. द रीज़न इज इसका नाम मैंने आर वन दिया नेक्स्ट वाले का अगर मैं आर वन देता हूँ सो वट विल हैपन इज यू विल बी एबल टू चूज आइदर वन ऑफ द आर वंस मतलब कि पहले आर वन है दूसरा भी आर वन है तो दोनों में से किसी एक को ही मैं चूज कर पाऊंगा. बट अगर इसको मैं आर टू दे देता हूँ देन आई दिस इज अनदर रेडियो बटन ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड दिस इज अनदर रेडियो बटन ऑफ डिफरेंट ग्रुप सो आई कैन चूज बोथ ऑफ देम ठीक है. सो इफ आई वॉन्ट द यूजर टू चूज ओनली वन ऑफ देम सो आई हैव टू एंटर द सेम नेम फॉर बोथ ऑफ द रेडियो बटन्स. से मैंने दूसरे का डाला वैल्यूज इक्वल टू फीमेल क्लोज इट अगेन आई राइटिंग फीमेल एंड देन आई सेव इट and reload it. So you can see if I click on the female automatically male will be deselected. Once I click on the male automatically female. That means क्योंकि दोनों का नाम मैंने R1 दिया है that is the reason that from a group of a particular radio buttons I can choose only one of them. I can select only one of them. So this is the advantage of a radio button. If you want a group of say आप अगर अपने form के अंदर कोई क्विज टाइप में कुछ क्वेश्चंस लिखना चाहते हो सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज ऑप्शन ए से ऑप्शन बी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी. सो यू कैन क्रिएट द रेडियो बटन्स फॉर दोज ऑप्शंस. सो यूजर कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम पहला सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली चारों में से बाकी कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा. वंस यू सेलेक्ट द बी वन ऑटोमेटिकली ए डी सेलेक्ट हो जाएगा बट दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू गिव द सेम नेम टू अ ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स. इफ आई राइट दिस आर टू हियर एंड गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव मैंने यहाँ R2 देता हूँ. सो वट विल हैपन इज इफ आई क्लिक ऑन फीमेल आई विल बी एबल टू सेलेक्ट बोथ ऑफ देम. द रीजन इज दे आर टू रेडियो बटन्स विद अ डिफरेंट नेम सो दिस इज विद इन द R1 ग्रुप एंड दिस इज विद इन द R2 ग्रुप. तो R1 के अंदर जितने हैं उनमें से ही एक सेलेक्ट कर पाऊंगा R2 में से एक सेलेक्ट कर पाऊंगा तो डिफरेंट ग्रुप्स में बन जाते हैं दैट इज वाई आई कैन सेलेक्ट बोथ ऑफ देम. सो इट इज़ नेसेसरी दैट द रेडियो बटन्स की जो नेमिंग्स है वो सेम हो एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर अगर आपको बनाना है तो. नाउ I'll write br twice here to go to the next line and create the next tag here. The next tag that you are going to learn is the checkbox control. Checkbox control is ek aapka square type mein bana hua jayega control and then you can tick mark on that control. Once you click on that particular checkbox you will be able to tick mark on that control. And checkbox aur radio button mein yahi difference hota hai ki radio button you can select one either one of them from a particular group whereas within a checkbox you can select as many of the checkboxes at the same time. See I want the user to enter his or her hobbies so I can type here hobbies. So if I want to create a checkbox the coding is input type is equal to checkbox ठीक है. You can see input type is equal to checkbox आपको लिखना पड़ेगा. देन आफ्टर दैट नेम से सी वन मैंने इसका नाम दिया वट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू गिव से स्विमिंग ठीक है. बट स्विमिंग डिस्प्ले नहीं होगा अलग से टेक्स्ट हमें दिखाना पड़ेगा. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट हॉबी उसी के कंटिन्यूशन में आपको डालनी है तो नेक्स्ट आप यहाँ पे हॉबीज में इनपुट फिर से आप डाल सकते हो से इनपुट टाइप
मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगेन चेकबॉक्स, नेम इज इक्वल टू अगेन द सेम ग्रुप अगर आपको देना है, देन वैल्यू इज इक्वल टू से रीडिंग. आई क्लोज इट. रीडिंग, देन अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट द थर्ड चेकबॉक्स. इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इज इक्वल टू अगेन सी वन, वैल्यू इज इक्वल टू से गार्डनिंग. ठीक है, मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है मान लो. ठीक है, आई गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव एंड ट्राई टू रीलोड दिस फाइल दिस एचटीएमएल फॉर्म अगेन. सो यू कैन सी दैट एक स्क्वायर बॉक्स आ गया है जहाँ पे चेकबॉक्स हमने क्रिएट किया था, एंड आई कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ देम और नन ऑफ देम. मतलब एक बार मैं क्लिक करूँगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, दोबारा उसको सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, टिक मार्क हट जाएगा मेरा. ठीक है, एंड आई कैन सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम दीज थ्री चेक बॉक्सेज. मतलब किसी टाइप का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, गार्डनिंग, रीडिंग और से रीडिंग और स्विमिंग. सो वंस यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर चेकबॉक्स इट विल बी सेलेक्टेड, एंड वंस यू अगेन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर चेकबॉक्स इट विल बी अनचेक्ड. ठीक है, तो चेक और अनचेक करने के लिए सिर्फ आपको क्लिक करना है, दैट्स ऑल. सो दिस इज यू हैव लर्नड द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. कैसे बनाते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, पासवर्ड इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, रेडियो बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू इसमें जरूरी होता है बिकॉज आर वन आप मतलब सेम ग्रुप में अगर दोगे तो एक ग्रुप में बन जाएगा, एंड यू कैन सेलेक्ट आइदर वन ऑफ द रेडियो बटन्स. एंड द चेकबॉक्स इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, एंड यू कैन सेलेक्ट एज मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ द चेकबॉक्सेज. दैट मीन्स यू कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ देम और नन ऑफ देम और एनी कॉम्बिनेशन दैट यू वॉन्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टैग दैट वी आर गोइंग टू लर्न विद इन द फॉर्म कंट्रोल इज द टेक्स्ट एरिया. यू हैव सीन दैट जहाँ पे आप ईमेल का बॉडी लिखते हो, ठीक है, जहाँ पे ईमेल आपको लिखना है तो बहुत बड़ा होता है वो, आप बहुत आराम से उसमें बहुत सारी लाइनें एक साथ में लिख सकते हो, बट टेक्स्ट बॉक्स में तो एक ही लाइन लिख सकते थे ना. सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल देन यू विल बी यूजिंग अ टेक्स्ट एरिया कंट्रोल. सो दिस टेक्स्ट एरिया कंट्रोल इज नॉट अ एम्प्टी टैग, इट इज़ बेसिकली अ कंटेनर टैग. ठीक है, अब ये जो चार थे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, दीज आर द एम्प्टी टैग्स. वेयर एज नाउ ये जितने भी आपके आएंगे नॉर्मली ये हमारे एम्प्टी नहीं होंगे, कंटेनर्स होंगे. सो इफ यू आर टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया वेयर यूल बी हैविंग अ मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल, यू कैन ट्राई टेक्स्ट एरिया, देन रोज इज इक्वल टू हाउ मेनी रोज यू वॉन्ट, एंड देन स्पेस देखे. दूसरा इसका एट्रीब्यूट है कॉल्स, कॉल्स मीन्स हाउ मेनी कॉलम्स यू वॉन्ट, and then whatever name you want to give to that particular text area, and then you will be closing that text area. ठीक है, इसमें बीच में आप कुछ लिखना चाहते हो तो वो डिस्प्ले करेगा, उसमें नहीं लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट एरिया आप डायरेक्टली इसके साथ साथ में क्लोज कर सकते हो. सो सी विल अगेन गो टू द कोड हेयर, आई विल गिव अ बी आर ट्वाइस सो दैट आई विल बी क्रिएटिंग द एड्रेस बॉक्स. से मैंने एड्रेस लिखा. ठीक है, सो टेक्स्ट एरिया, then you will be writing rows is equal to how many rows you want to be displayed within that particular text area, how many columns you want to be displayed, say columns maine kaha 30. theek hai, now whatever name you want to give, say name aapne kaha addr. theek hai, uske baad aapko text area directly usko close karna hai, aapne likha text area, theek hai, and close it. now go to the file again, save it, we'll see its effect here. सो एड्रेस यू कैन सी दिस इज 30 कॉलम्स, कॉलम्स ऐसे बनते हैं, एंड रोज हमारे इस तरीके से बनते हैं. फाइव रोज मतलब यू कैन सी यू कैन गो टू द फाइव लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड द फिफ्थ लाइन. दो इसमें सिक्स लाइन में डिस्प्ले हो रही है बट फाइव लाइन्स, फाइव रोज का मतलब फाइव लाइन्स होती हैं. ना इफ़ यू अगेन प्रेस एंटर यू कैन टाइप एनी नंबर ऑफ कॉन्टेंट हेयर, यू कैन दो स्क्रोल बार अपने आप ही यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है. नाउ if you write anything here
यू कैन सी ऑटोमेटिकली आपका रैपिंग इसमें होती रहती है. ठीक है, सो यू कैन टाइप एनी नंबर ऑफ लाइन्स हियर, से वट एवर यू वॉन्ट टू एंटर द एड्रेस. आई हैव डिलीटेड एवरीथिंग. से आई एम राइटिंग द एड्रेस एज सी एस कैम पब्लिक स्कूल सतभड़ी न्यू डेली. एंटर प्रेस करके यू कैन गो टू द नेक्स्ट लाइन. फोन नंबर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट हेयर. सो जो कमेंट्स वगैरह होते हैं, आपका ईमेल का बॉडी होता है, दैट इज बिंग क्रिएटेड यूजिंग दिस टेक्स्ट एरिया. सो टेक्स्ट एरिया कैसे बनाना है आपको? टेक्स्ट एरिया रोज इज इक्वल टू हाउ मेनी रोज यू वॉन्ट डबल कोट्स में. देन कॉल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी कॉलम्स यू वॉन्ट इज इक्वल टू के अंदर अगेन डबल कोट्स में. नेम, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव. अभी नेम का आपको पता चलेगा वेन वील बी क्रिएटिंग द सबमिट बटन्स. ठीक है, नाउ लिस्ट बॉक्स. लिस्ट बॉक्स इज आपका लिस्ट बॉक्स क्रिएट हुआ आ जाएगा, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर लिस्ट में से एक पर्टिकुलर आइटम को चूज कर सकते हो. सो लिस्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है शुरुआत में सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू, कुछ भी आप लिख सकते हो. देन उसके अंदर जितने भी आप वैल्यूज इसमें डालना चाहते हो, सो यू कैन राइट यूजिंग द ऑप्शन टैग. सो सेलेक्ट का सब टैग इज द ऑप्शन टैग. सो सेलेक्ट में क्या आएगा? ऑप्शन, देन वैल्यू इज इक्वल टू वट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू गिव इंडिया एंड क्लोज द ऑप्शन टैग. ठीक है, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू सिंगापुर, सिंगापुर हमने दोबारा लिखा जिससे वो डिस्प्ले हो. देन क्लोज द ऑप्शन टैग एंड देन फाइनली क्लोज द सेलेक्ट टैग. सो दिस इज यूज टू क्रिएट द लिस्ट बॉक्स. वील सी हाउ यू विल बी क्रिएटिंग. मैं इसमें बी आर दे दूंगा सो दैट वी कैन हियर से आई राइट कंट्री. ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट सेलेक्ट वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव टू द सेलेक्ट बॉक्स. से सी आपने उसका नाम देना है. ठीक है, कोई भी हम नाम दे सकते हैं. देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, से आपने लिखा इंडिया. ठीक है, फिर आपको दोबारा से इंडिया लिखना है एंड देन क्लोज ऑप्शन टैग. द रीजन इज ये जो आप वैल्यू दे रहे हो इंडिया, ये जो लिख रहे हो वैल्यू इज इक्वल टू इंडिया, ठीक है, ये होता है कि फॉर्म के पास क्या वैल्यू जाएगी, और ये जो हम ये लिख रहे हैं ये हमें क्या दिखाएगा. उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो जो हमने रेडियो बटन्स बनाए थे. यहाँ पे मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ सो दैट थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए. ठीक है, नाउ रेडियो बटन्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया था. इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू आर1, वैल्यू इज इक्वल टू मेल. वट एवर डाटा विल गो टू द फॉर्म जहाँ पे ये डाटा सबमिट हो रहा है, वहाँ पे क्या दिखाए, वहाँ पे क्या जाएगा, आर1 के अंदर क्या स्टोर होगा, मेल स्टोर होगा या यू वांट एम स्टोर, यू वांट टू स्टोर एम. बट दिस इज जो टैग के बाहर जो लिखते हैं वो हमें दिखाई दे रहा है फॉर्म के अंदर. ठीक है, बट दिस इज वट एवर डाटा विल बी गोइंग टू द फॉर्म जिसको हम सबमिट कर रहे हैं डाटा. सो इधर आप कुछ भी अपना दे सकते हो, बट ये हमें डिस्प्ले करने के लिए होता है फॉर्म में. ठीक है, सो ये ध्यान रखना. सो उसी तरीके से मैंने कहा ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू इंडिया एंड इंडिया विल बी डिस्प्लेड एज एन ऑप्शन. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्रिएट करने के लिए यू विल अगेन राइट ऑप्शन. यू कैन पुट एज मैनी आइटम्स विद इन योर लिस्ट बॉक्स यूजिंग दैट ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू एंड देन से आपने कहा पाकिस्तान, क्लोज द ऑप्शन टैग अगेन. अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट द थर्ड ऑप्शन टैग. मैंने तीन ऑप्शन दिए, देन फाइनली क्लोज द सेलेक्ट टैग. ठीक है, आई विल गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव एंड यू कैन रीलोड दिस पेज अगेन. यू कैन सी दिस इज द लिस्ट बॉक्स. लिस्ट बॉक्स पे जब क्लिक करते हो तो जितने हमने ऑप्शंस दिए हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं. सो वैल्यू आपका जाता है जहाँ पे हमने सबमिट करना है डाटा. सो डाटा हमारा सबमिट होने के बाद reg.html फाइल के पास जाएगा, उसमें क्या जाएगा जो हम चूज करेंगे. सो मैं यहाँ पे अगर मैं ये देता हूँ ऑप्शन इज इक्वल टू, मतलब पाकिस्तान के लिए मैंने उसकी वैल्यू दी पी के, इंडिया के लिए मैंने दिया आई एन, श्रीलंका के लिए मैंने कहा एस आर. सो ये डाटा जाएगा, लेकिन ये जो हमने इधर लिखा है टैग के अंदर, मतलब टैग के सॉरी बाहर, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू आई एन के बाहर हमने जो लिखा है दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द फॉर्म. दिस इंडिया विल बी डिस्प्लेड एज एन ऑप्शन इन द फॉर्म.
ठीक है. सो इफ आई सेव इट अगेन यू विल बी, इफ आई रीलोड इट अगेन यू कैन सी, आपको यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पता चल रहा है, उधर आई एन पी के और एस आर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है. अब हम नेक्स्ट अपना ऑप्शन नेक्स्ट कंट्रोल पे आते हैं, दैट इज बटन्स. यू कैन क्रिएट थ्री टाइप्स ऑफ बटन्स विद इन योर फॉर्म. यू के फर्स्ट बटन इज द सबमिट फॉर्म बटन. सबमिट फॉर्म बटन इज यूज टू सबमिट द फॉर्म डाटा टू द सर्वर. अब ये बटन अगर हम बनाते हैं, इसके बाद हम डाटा को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है. अभी हमने यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, आपने सब फिल कर दिया लेकिन कोई बटन नहीं है, तो आप दबा के डाटा कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है. सो इस वजह से आपका क्या है, यू कैन नॉट क्लिक ऑन एनी बटन, दैट मीन्स यू कैन नॉट सबमिट दिस पर्टिकुलर डाटा. सो टू सबमिट दिस पर्टिकुलर डाटा यू नीड टू क्रिएट दिस सबमिट फॉर्म बटन. टू क्रिएट द सबमिट फॉर्म बटन यू नीड टू राइट इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वट एवर वैल्यू यू गिव वो बॉक्स में दिखाएगा, ठीक है. मैं आपको दिखाता हूँ, विल क्रिएट वन ऑफ द सबमिट बटन्स हियर, बी आर दे के, आई विल बी क्रिएटिंग द सबमिट बटन नेक्स्ट लाइन. सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है. मैंने खाली इतना लिखा, अब ध्यान से देखना, सेव किया मैंने, मैं यहाँ आता हूँ, रीलोड करता हूँ. तो यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट ना, कोडिंग में अपने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू नहीं दिया. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता तो ये जो सबमिट क्वेरी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये चेंज कर सकता हूँ मैं, से वैल्यू में मैं लिखता ओके, ठीक है. आई विल गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव, आई विल रीलोड इट. सो वहाँ पे ओके लिखा हुआ आ गया. नाउ आई कैन एक्चुअली फिल अप वट एवर आई वॉन्ट टू फिल अप, ठीक है. एंड देन इफ आई क्लिक ऑन ओके, सो वट विल हैपन इज इट विल टेक ऑल द डाटा दैट इज बींग फिल्ड विद इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म एंड गो, दिस डाटा विल गो टू दिस पर्टिकुलर फाइल दैट इज reg.html फाइल. reg.html फाइल अगर नहीं होगी तो यहाँ पे दिखा देगा, एरर दिखा देगा. देखो मैंने ओके किया, सो इट सेज फाइल नॉट फाउंड, बिकॉज reg.html फाइल कोई है ही नहीं मेरी एग्जाम्पल यहाँ पे फोल्डर में reg.html. बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जब हमने सबमिट किया reg.html में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ऊपर फुल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू जो मैंने टाइप किया था वहाँ पे, एम्परसेंट साइन लगा के दूसरा फॉर्म दैट इज, एक सेकेंड, ठीक है. सो यू कैन सी आई डी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, PWD whatever I have typed in the password field, R1 was the sex, ठीक है. सो R1 is equal to M, C1 is equal to swimming जो मैंने choose किया, ADDR is equal to, आप ये देख रहे हो ये पूरा address है, ठीक है. तो यही चीज़ आप अपने internet browser पे कई बार submit करते data तो दिखाई देता है. So this is the data that goes through the form if I pass it as a get. So get में क्या होता है, data visible होता है, ठीक है, URL के साथ जाता है. URL है आपका, URL है, URL के साथ जा रहा है डाटा. बट अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, इफ आई एम चेंज इट टू से पोस्ट, दो मेथड हम इसके फॉर्म के दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक्शन कहाँ पे डाटा जाना है, मेथड किस तरीके से डाटा जाना है, आइदर गेट और पोस्ट. गेट इज द डाटा विल गो अलॉन्ग विद द URL बट इट्स फास्टर. पोस्ट द डाटा विल गो इन अ हिडन मैनर बट इट्स अ बिट स्लो. सो इफ आई क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन सेव अगेन एंड मैं वापस यहाँ आता हूँ और मैं वापस ओके पे क्लिक करता हूँ, तो होगा क्या, यहाँ पे आगे देख रहे हो क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आ रहा था पहले तो यहाँ पे reg.html के बाद, लेकिन अभी नहीं आ रहा है. द रीज़न इज़ आई हैव चेंज द कोड, आई हैव चेंज द मेथड ऑफ सबमिटिंग द डाटा. इंस्टेड ऑफ गेट इट शुड बी पोस्ट, दैट मीन्स द डाटा शुड नॉट गो अलॉन्ग विद द URL, इट शुड गो इन अ हिडन मैनर. सो यू हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन अ गेट एंड अ पोस्ट ऑल्सो and you have seen why I have been providing these names. So name equal to whatever user जो type करता है वो name उसका जो control का नाम है equal to फिर वो value जाती है. मैंने mail पे click किया था तो R1 is equal to M दिखा रहा था, मैंने swimming लिया था तो दिखा रहा था C1 is equal to swimming, ठीक है. So this is how the data goes. Now the another control within your form is basically the clear.
you can create a clear form button used to clear the form but data. Input type is equal to, agar reset likhte ho aap, so usse kya hoga, form aapka khali ho sakta hai. So pehla maine button banaya input type is equal to submit. Main dusra button banata hu, say input type is equal to reset. ठीक है, मैं जो भी वैल्यू उसमें लिखूं, मैंने अगर उसमें लिखा क्लियर तो बटन में क्लियर लिखा हुआ आएगा. इफ आई गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव एंड अगेन रीलोड इट, सो मेरे दो बटन आ रहे हैं. वंस आई प्रेस दिस क्लियर बटन, मेरा पूरा फॉर्म जो टाइप किया हुआ था वो पूरा खाली हो जाएगा. ठीक है, एंड ओके बटन से सबमिट होगा बिकॉज वो बटन टाइप जो है वो सबमिट है. और दूसरा बटन क्लियर जो है वो कैसा टाइप है, रीसेट. रीसेट मतलब फॉर्म क्लियर करने के लिए. And you can also create third type of the form button is basically used to create the simple buttons. So input type is equal to button, value is equal to click here. उसको क्लिक करने से होगा कुछ नहीं, but you can create the buttons. ठीक है, so simple buttons बनाने के लिए input type is equal to button and then value is equal to whatever value you will be giving. You can that will be displayed. But अभी उस button को क्लिक करने से कुछ होगा नहीं, data submit नहीं होगा, ना clear होगा, ना कुछ और होगा. So you can leave this particular type, but remember there are three types of buttons: submit form button, clear form button, and normal button. To create the normal button, you have to write input type is equal to button, and value is equal to whatever you value you want to give you. It's your wish. Okay. So we have seen how to create the form controls within your form, and if you want to arrange your data, you have seen that here it comes in a haphazard manner. But if you see actual form on the internet, it is arranged in a very arranged way. So, उसका कारण क्या है, यू कैन एक्चुअली यूज द टेबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ योर टेबल्स एंड द फॉर्म्स टू बी डिस्प्लेड इट प्रॉपरली. सो यू कैन सी, जैसे एड्रेस यहाँ नीचे आ रहा है, हम चाहते हैं यहाँ पे आए. सो राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द टेबल्स. सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन इंसर्ट ऑल दीज थिंग्स, वट एवर फॉर्म यू हैव क्रिएटेड विद इन अ टेबल. सो टेबल में आप क्रिएट इसको कर सकते हो, बहुत ईजिली अपना आप बना सकते हो. ठीक है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें आप, मैं इसको ब्रेक कर दिया है अलग अलग पार्ट्स में. सो फॉर्म के अंदर मैं अपना टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ. से आपने लिखा टेबल, ठीक है. टेबल में का जो चाइल्ड टैग होता है वो क्या होता है, टी आर ना. ठीक है, ना टेबल का चाइल्ड टैग टी आर हो गया और टी डी के अंदर डाटा आता है. सो जो एंटर योर नेम है पहले रो के पहले कॉलम में आए. ओके, फिर उसके बाद ये टी डी मैंने क्लोज कर दिया और जो उसका बॉक्स है वो दूसरे फर्स्ट रो के दूसरे कॉलम में आए. तो दोबारा से टी डी शुरू करके मैंने यहाँ पे, और ये बी आर जितने भी हैं मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. यहाँ पे टी डी मैंने क्लोज कर दिया. सो पहला मेरा रो क्रिएट हो गया, पहला जो ये मैंने रो बनाया है. ठीक है, पहले जो मैंने रो बनाया है दैट इज़ यूज टू एंटर द नेम. सो आई कैन क्लोज द टी आर हेयर. सो टेबल बनाया, टेबल में एक रो बनाया. रो मतलब एक सिंगल लाइन बन जाएगी. सिंगल लाइन में पहले रो में एंटर नेम आएगा, पहले रो में पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में एंटर इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट मतलब बॉक्स बना हुआ आएगा. सिमिलरली आई कैन क्रिएट द सेकेंड रो हेयर. टी आर मैंने फिर से बनाया, मैंने फिर से टी डी दिया और जो ये लिखा हुआ है एंटर योर यूज़र आई डी, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैंने टी डी क्लोज कर दिया. ठीक है, और ये फिर से मैंने टी डी के अंदर डाल दिया, जो मतलब पहले टी डी में मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ जो यूज़र से, मतलब जो डिस्प्ले कर रहा है कि एंटर आई डी, एंटर नेम, एंटर पासवर्ड. और दूसरे टी डी में कंट्रोल जो मैं बना रहा हूँ फॉर्म के, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, वो सारे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ दूसरे टी डी में. और बी आर को मैं रिमूव करते हुए जा रहा हूँ. ठीक है, सो अगर मैं सिर्फ इतना ही अभी पोर्शन देखता हूँ, टी आर मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ एंड आई क्लोज द टेबल हेयर. ठीक है, फाइल पे जाके मैं इसको सेव करता हूँ. सो यू कैन सी द इफेक्ट राइट नाउ. अभी क्या हो रहा है, एंटर योर नेम आ रहा है यहाँ पे कॉलन. मैं चाहता हूँ ये बॉक्स की जो बिगिनिंग है, सो इफ आई वॉन्ट दीज टेक्स्ट बॉक्सेज टू बी डिस्प्लेड इन द सेम लाइन. ठीक है, सो इन दैट केस टेबल में जैसे मैंने डाला, यू कैन सी द इफेक्ट राइट नाउ. एंटर योर नेम, ठीक है, ये लाइन में आ गए दोनों. एंटर योर आईडी, ठीक है, चाहे उसमें स्पेसेस हैं लेकिन ये रो के हिसाब से बन रहा है, टेबल बन रहा है, इस वजह से एक ही लाइन में दिखा रहा है. ओके, सो सिमिलरली
हम तीसरे को भी यहाँ पे टेबल में बंद नहीं करता, मैं इसको बाद में बंद करूँगा. आई क्रिएट द थर्ड रो हियर एंड एंटर पासवर्ड जो है, एंटर पासवर्ड. आई क्लोज द सॉरी आई हैव टू क्रिएट द फर्स्ट द टी डी टैग एंड देन एंटर पासवर्ड के बाद मैंने टी डी टैग को क्लोज कर दिया. एंड देन जो बॉक्स है वो दूसरे टी डी में आएगा, मतलब कि दूसरे कॉलम में आएगा. टी डी मीन्स द कॉलम, ठीक है. एंड आई विल रिमूव दिस बी आर टैग्स. आई क्लोज दिस टी आर अगेन. नाउ सिमिलरली अगेन अ रो टी डी में मेरा ये वर्ड लिखा हुआ रहा है सेक्स. उसके बाद टी डी क्लोज, अगेन द टी डी टैग. और ये जो दोनों जो बटन्स हैं एक ही टी डी टैग में हमारे आ रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे मैंने टी डी टैग से क्लोज कर दिया, बी आर हटा दिया मैंने, ठीक है. ना आई क्लोज द टी आर टैग अगेन. देन चेकबॉक्स जो हैं रेडियो बटन्स के लिए हमने टी आर क्लियर क्रिएट कर लिया. नेक्स्ट टी आर इज फॉर द चेकबॉक्स. सॉरी टी डी हेयर आई क्लोज द टी डी टैग. और जो कंट्रोल्स हैं मेरे वो दूसरे टी डी में आएंगे, ठीक है. और ये यहाँ पे जो बंद हो रहा है, कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे टी डी बंद करना है मेरे को, ठीक है. और मैंने वापस टी आर को क्लोज कर दिया. देन अगेन फॉर द सेम एड्रेस आई विल क्रिएट अनदर टी आर टैग हियर. टी डी टैग एड्रेस में डाल दिया मैंने. आई क्लोज दिस टी डी टैग अगेन. और जो कंट्रोल है टेक्स्ट एरिया जो कंट्रोल है दैट इज़ विद इन द नेक्स्ट टी डी टैग. और बी आर टैग को भी मैंने हटा दिया और टी डी बंद कर दिया, ठीक है. अगेन टी आर टैग को मैंने क्लोज कर दिया. सो अगेन कंट्री जो आ रहा है दैट शुड बी अगेन विद इन द नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में कंट्री लिखा हुआ आएगा शब्द. एंड देन जो कंट्रोल है मैं उसको दूसरे टी डी में पुट कर रहा हूँ, ठीक है. ऑप्शन आ गए हमारे, ऑप्शन जितने ऑप्शन हैं सारे उसी टी डी में आएंगे. एंड देन जब सेलेक्ट कर बंद हो गया हमारा, उसके बाद यहाँ पे जो बी आर है उसको मैंने रिमूव किया और टी डी को ना क्लोज कर दिया, ठीक है. और फाइनली जो है मेरा यहाँ पे टी आर टैग बंद हो जाएगा. देन आफ्टर द बटन्स जो हमने दो बटन्स बनाए हैं वो अलग उसमें आए, या हम नहीं चाहते बटन्स उसमें आए, डायरेक्टली आए फॉर्म के अंदर. आई कैन क्लोज द टेबल हेयर. नाउ जस्ट सी द आउटपुट हेयर. इफ वंस आई रिफ्रेश इट यू कैन सी इट्स बीइंग अरेंज प्रॉपरली बिकॉज हमने इसको टेबल्स में अरेंज कर दिया है. तो इसमें एक रो फर्स्ट रो, द सेकेंड रो, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रो, तो छः रो हमारी क्रिएट हो गई हैं. उन छः रो में मतलब एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया विद सिक्स रोज एंड टू कॉलम्स. फर्स्ट रो के अंदर जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एंटर योर नेम लिखा, और फिर जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हमने कंट्रोल बनाया, हर एक के सेकंड कॉलम के अंदर हमने कंट्रोल्स क्रिएट करे हैं. सो यू कैन सी जो एड्रेस है वो आपका मिडल में आ रहा है, ठीक है. इफ़ यू वॉन्टेड टू बी ऑन द टॉप हेयर, सो टी डी टैग का आपने एट्रीब्यूट एक देखा था, वी अलाइन इज इक्वल टू वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइन इज इक्वल टू टॉप सेंटर बॉटम. सो इफ़ आई जहाँ पे एड्रेस हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस जहाँ है ये है, सो आई कैन यूज़ द वी अलाइन एट्रीब्यूट इज इक्वल टू इफ आई राइट टॉप. सो इंस्टेड ऑफ सेंटर इट विल बी डिस्प्लेड द टॉप. सी द इफेक्ट यहाँ पे टॉप में दिखाने लगा, ठीक है. सो यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टेबल्स एंड द फॉर्म्स टू एक्चुअली क्रिएट योर फॉर्म्स. तो आज आप इतना ही अपना करो, जस्ट रीडिज़ाइन दिस पर्टिकुलर फॉर्म सो दैट यू कैन लर्न कि विच पर्टिकुलर टैग क्रिएट्स वट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल्स. थैंक यू.